सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। बीएससी के छात्र हैं ऋषिका तिवारी। कहाँ से आप लोग हैं? बीबीसी से। क्या मतलब? हम लोग का मामला ये था कि मार्किंग सही नहीं हुई है, किसी को फेल कर दिया, किसी को पास कर दिया। मार्किंग किस बेसिस पे किया गया वो भी समझ में नहीं आ रहा। प्रैक्टिकल के नंबर अपने मन से दे दिए, ना ही प्रैक्टिकल लिए गए, ना ही प्रैक्टिकल का कुछ बोला गया हम लोगों को। प्रैक्टिकल में यहाँ तक कि बच्चों को प्रैक्टिकल तक में फेल कर दिया, अपने आप कुछ भी नंबर डाल डूल के। याद हम लोग के प्रैक्टिकल लिए जाते तो अब हम लोग सोचते कि चलो हम लोगों के खुद के बस पे नंबर आए। यहाँ इन लोगों ने खुद दे दिया, किसी को दो में बैक आई तो फेल कर दिया, किसी को दो में बैक आई पास कर दिया, किसी के में 720 टोटल हो रहा, किसी के में 810 लिख के आ रहा। तो यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा और 20 घंटे में रिजल्ट अपडेट हो रहा बार बार। और अगर 3 दिन में नहीं हो पाया, नतीजा नहीं आया, और बीसी हम लोगों के सामने क्यों नहीं आया? क्योंकि बीसी ने फॉल्ट की है, बीसी ने बच्चों की जिंदगी बर्बाद की है, बीसी ने बच्चों की दो दो साल बर्बाद करी है। बीसी हमारे सामने क्यों नहीं आया? और अभी भी हमको सही आश्वासन नहीं दिया गया कि हमारा दो साल बर्बाद नहीं होंगी। मेरा नाम नैन्सी आ रहा है, मैं बीबीसी से हूँ। जो पास यूनिवर्सिटी की पास परसेंटेज के संबंध में जो विषय था इस पे परिशीलन किया गया था और वाइस चांसलर साहब से भी बात हुई है, टीचिंग स्टाफ से भी बात हुई है, एक प्रशासनिक समिति गठन करके इसकी एक रिकमेंडेशंस देने के लिए तो अनुरोध किया गया था। तत्क्रम में 7 तारीख शाम तक रिपोर्ट जो आएगी उसके हिसाब से पुनः परीक्षा हो या उनके अटेंडेंस एवेल्युएशन हो, वो सब चीज़ों को परिशीलन करके एक निर्णय लिया जाएगा। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।